Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
start? Yes, me. A very good evening to all three of you. Thank you. We talked to Tiger Jay and he said like all the credit goes to you for this. Hakikat hai na, obviously he'll be modest and say. Yeah, Tiger ka. Before we even had a script, मुझे याद है अहमद सर ने मुझे वो हेलीकॉप्टर सीक्वेंस पूरा नरेट कर दिया तो यू नो ही वाज सो क्लियर व्हाट ही वांटेड इन टर्म्स ऑफ एक्शन एटलीस्ट द विजुअल्स एंड ऑल दैट यू सी हियर दिस वाज ऑलरेडी इन हिज माइंड बिफोर वी इवन हैड अ स्क्रिप्ट इन प्लेस सो यू नो दैट्स व्हाई आई क्रेडिट टू ऑल टू हिम बचपन से ये बहुत टैलेंटेड और मतलब यू डिफाइन हाउ यू थॉट ऑफ दिस विजन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा ये कहता हूँ कि व्हेन यू हैव सर्टन एक्टर्स उसके हिसाब से आप सोचते हो कि हम ये फिल्म बनाएंगे और ये करेंगे मेरे पास दो चीज़ थी बागी एंड टाइगर श्रॉफ तो विद टाइगर एडवांटेज इज दैट आपको सिर्फ सोचना है यू हैव टू जस्ट थिंक कि ऐसा करना है एंड यू हैव टू आस्क हिम ऑल्सो तो मैंने वो सब चीज़ सोच ली जो एक बचपन में हम सोचते थे ना ऐसा करेंगे यहाँ से छलांग मार लेंगे चॉपर गिरा देंगे तो वो सब सोचा एंड टाइगर वॉज द बॉय हु मैं अगर कहता था कि टाइगर वी नीड टू डू दिस ही सेज कैन वी डू देयर तो दैट वॉज द मोस्ट एनकरेजिंग थिंग एंड देन स्काई वॉज द लिमिट व्हेन यू हैव साजिद नडरवाला एज अ प्रोड्यूसर एंड बागी टू बन रही है वन से थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करके एक्शन को स्केल पे ले जाना था टाइगर हैड टू बल्क अप मोर ही हैड टू गिव अप हिज हेयर विच ही लव द मोस्ट And there he is a refined Tiger Shroff in front of us doing action. आपने बड़ा नोटिस किया वो सब? अरे मैं उस टाइम पे लुकआउट में था ना सर, तो इसलिए मुझे थोड़ा छुपा के रखना था। शॉट टाइम एक लास्ट तो चालू होते तो फिर वो कहाँ? नहीं नहीं प्लीज। दिशा, you were tempted to do those scenes also when? That you'll see in the film. How do you know she doesn't have action in the film? If you see the film. So you wait. जी हकीकत ये कि उनको हमेशा मतलब थोड़ा अलग रखता मैं प्रोफेशनल लाइफ से खासकर क्योंकि आई डू सच डेंजरस थिंग्स ऑन स्क्रीन तो आई डोंट टेल हिम द नाइट बिफोर यू नो दैट आई एम डूइंग अ डेंजरस एक्शन सीक्वेंस आई थिंक नेचुरली मेरे पापा है तो ऑब्वियसली थोड़ा टेंशन तो लेंगे वैसे तो बहुत बिंदास किस्म का इंसान है इस मामले में थोड़ा मतलब घबराहट है एक फॉर एग्जाम्पल क्योंकि ट्रेलर में है सो आई टॉक अबाउट दैट वन हेलीकॉप्टर सीक्वेंस जो है वो जंप करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा क्योंकि यू नो देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट वर देयर such as वो एक तो वो फैन का जो फॉल्स था we used a very you know the army choppers in Thailand it's a very powerful chopper noise pollution noise बहुत ज़्यादा था और वो फोर्स बहुत ज़्यादा था तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दोज टू फैक्टर्स प्लस डस्ट में आँख में आ रहा था तो आँख में आ रहा था तो when I used to run I used to get dust particles hitting me also when I used to take a leap you know I could feel the pressure of that तो कभी कभी ये आता था दिमाग में यार what if it pushes me too much I might miss the chopper because of the force and the worst thing was jahan tiger khade the hamare paas 10 ya 12 cameras the and ek bar jab wo chopper aate the you can't hear anything mic we had 4 mics aise chillate the tiger cut but he used to not be able to hear it and hame itna stress hota tha ki wo chopper correct khada hai ki nahi distance correct kitni bar chopper wale andar se humko bolte the no but he can't hear us So it was very scary and वो propellers जो थे chopper के वो थे army choppers
सो एक घट 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 होता है, ये धड़ 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 ऐसे आते थे एंड इट वॉज सो स्कैरी दैट एंटायर थिंग. मैं खाली प्रे करता था कि कब जल्दी ख़त्म हो जाए एंड वी गेट डन विद दिस जम्प. एंड दिस बॉय जस्ट नॉट बिकॉज ही इज द हीरो ऑफ द फिल्म और ही इज सिटिंग विथ मी, बिल्कुल भी एक बार भी घूम के ये नहीं, यार गाइज यू आर नॉट रेडी, जो आमतौर में हो जाता है. वी यूज़ टू से यूज़ टू जंप रन एंड यूज़ टू टर्न अराउंड एंड सी एंड यूज़ टू से इट वॉज अ कट, यूज़ टू से ओके. और वो पत्ते उड़ना जो कह रहे हैं लगना, वाकई में हम 100 feet दूर थे एंड वी यूज़ टू फील दैट ट्रेमर एंड ही वॉज लाइक 20-30 feet अवे. तो दैट वॉज स्कैरी. एंड एक था वेन एक ड्रोन शॉट चाहिए था हमें और हमारी ख्वाहिश टेक्टिशियंस की कभी ख़त्म होती नहीं, ये खुद पहाड़ पे चढ़ रहे पानी के बीच में एंड द ड्रोन हैड टू जस्ट कम क्लोज टू हिम. वो ड्रोन नज़दीक आया एंड इट लॉस्ट फ्रीक्वेंसी एंड इट जस्ट वेंट ऑन टाइगर्स फेस एंड टाइगर का बैक था. लकीली ही टर्न और उन्होंने डक किया. आई मीन आई एम टेलिंग यू उस वक्त टाइगर टुक 15 minutes ऑफ एंड ही सेड रेडी फॉर द नेक्स्ट शॉट. आई नो इट कि अगर मैं होता तो उस दिन के लिए आई वुड हैव गॉट कोल्ड फीट. सो ऑल दीज थिंग्स हुई हैं बागी 2 में एंड आप देखेंगे एक्शन में द वे इट्स गॉन. दैट्स व्हाई ये हमने कट रखा था टू शो हिज रियल साइड. एक सवाल और था, जिस तरह से आपने प्रीफॉर्म किया है इस फिल्म के लिए, क्या रैम्बो की फिल्म या सिल्वेस्टर स्टैलोन कोई रेफरेंस पॉइंट था इस फिल्म के एक्शन के लिए? और जो आपने बॉडी बनाई है उनकी फिल्मों से कोई रेफरेंस लिया है एक्शन के मामले में? आई थिंक बिल्कुल. और मेरा जो किरदार जो मैं निभा रहा हूँ इस मूवी में रिक्वायर्ड मी टू लुक अ सर्टेन वे, यू नो, दो टाइमलाइंस के साथ खेल रहे तो उस हिसाब से मुझे अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ा. There's a section where I have to look a little more mature. So I think because of that, Ahmed sir ka requirement tha ki I put on little muscle for certain sequences. Vishal, this was the same movie in which you got hurt while rehearsing for the dance? You were injured na? Sprain hua tha. Oh, the ankle? Yeah. Yeah. Elaborate. Elaborate. Usne khadi thi. Actually, my ankle is pretty weak और already मेरे 3 fractures हो चुके हैं ankle में and even if my ankle goes a little off या कुछ भी होता है या फिर मैंने हल्का भी कुछ ऐसा किया जिससे मेरा ankle मुड़ गया तुरंत it breaks. So that's it. Tiger has been support to you for all this. Yeah, I have these 2 supports sitting next to me. All of them have been very supportive and it's a great film. And we had a great team because ये सब achieve करने के लिए I think you require a lot of people and lot of hardworking people. आप 30 मार्च को देखेंगे. बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस बिकॉज हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड वी शेयर दिस गुड बॉन्ड. एंड हमने एक्चुअली सोचा था स्टार्टिंग में काफ़ी फनी होगा बिकॉज इमेजिन आपके साथ कोई फ्रेंड है जो आपके साथ कुछ सीन कर रहा है जहाँ आप रो रहे हो या कोई फनी फेस बना रहे हो, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट योर कोस्टार टू लाफ एट यू, मतलब कोस्टार कम फ्रेंड. बट लकीली अहमद सर थे एंड हम लोगों ने पहले से सारी वर्कशॉप करके रखी हुई थी तो हम लोग ऑन सेट जाते थे लिटरली 1 या 2 टेक लेते थे मैक्स फॉर एनी सीन. हाँ इमेजिन 1 or 2 टेक डन. सो अहमद सर का खौफ था हमारे ऊपर तो हम लोग जल्दी जल्दी बस सारे सीन निपटाते थे कि अहमद सर गुस्सा ना हो जाए. सो आई वर्क विद जैकी सर, जैकी चैन एंड आई वर्क विद टाइगर. दोनों बहुत हंग्री है और जैसे कि सर ने बोला कि यू नो टाइगर बोलता था यहाँ से नहीं यहाँ से जंप करूँगा, इट्स सेम लाइक जैकी चैन. जैकी सर का भी क्या नहीं, ये इतना तो मैं दिखा चुका हूँ मुझे और दिखाना होगा, मुझे और कुछ रिस्की करना पड़ेगा. तो आई थिंक इन दैट वे दे रियली यू नो एक मुझे वो एक सिमिलैरिटी दिखता है. और दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है, दोनों बहुत पैशनेट है और दोनों एक्शन में ऑसम है. स्टॉप क्राइम, स्टॉप क्राइम. अच्छा दिस इसमें थोड़ा ज़्यादा रोल हो ज़्यादा. तो आई एम सेइंग कि वो जो प्रोफेशनलिज्म आई लर्न फ्रॉम दिशा इन दिस, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, मैंने उस टाइम नहीं कहा नहीं तो शी वुड टेक इट फॉर ग्रांटेड, हंसते रहो
And Tiger, on the other hand, is he comes from home with aaj ka kaam. He comes like this, and when he till he reaches the set, he's grown over that work. He says, "Sir, isse bada kare." Just Tiger kar to lete. So with him, it is stupid to say ke yaar soch ke aata hai, lekin yaar set pe wo karke bhi dikha deta hai. So that is ke yaar ye dono se, that's why I said itna mutasir hua main in terms of seeing their work on set ke they are thorough professionals. But and you have to know that he is a very good actor. And the best thing, abhi kuch samajh mein nahi aaya to directly sir se pucho, sir ye scene mein aapko kya chahiye, he will act it out and mera part bhi, Tiger ka part bhi, कोई और है उसका पार्ट भी, तो चारों लोगों की एक्टिंग करके दिखा देंगे कि ऐसा नहीं करना, इतना गंदा हो रहा है. नहीं नहीं. एंड ये फिल्म में जैसे दिशा का किस्मत, देखो एक फिल्म होती है, एक फिल्म होती है बागी 2 हम बना रहे हैं. टाइगर इज डूइंग ब्रिलियंट एक्शन, चलो ग्रेट USP. बागी 2 सीक्वल, ग्रेट USP. साजिद नडियाडवाला कमिंग विद ऑल द बेस्ट एज अ प्रोड्यूसर ही कैन गिव अस. बट इस फिल्म की दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कहानी, और वो कहानी है लड़की की, और वो लड़की है दिशा. सो व्हेन यू विल सी द फिल्म, आपको लगेगा कि एक्चुअली ये कहानी है फिल्म में, और ये पिक्चर कुछ कह रही है. एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस गर्ल नेहा, एंड शी ड्राइव्स द फिल्म. सो आपने मैन मैन देखा, एक्शन देखा, सब देखा, बट इसके पीछे यू विल फाइंड द सॉफ्टनेस ऑफ अ गर्ल. And वो story जो है is actually दिशा. हाँ, दिशा का स्टंट जैसा कुछ है नहीं फिल्म में, बट एक एक्शन है जिसमें दिशा इज एक्चुअली अ गर्ल. वो कुछ ऐसा नहीं कर रही है कि मैं भी मार सकती हूँ और बदला ले सकती हूँ. यू रियली फील फॉर हर उस एक्शन में, और उस फिल्म की कहानी वो है. वहाँ से वो बीज उगती है और ख़त्म होती है टाइगर श्रॉफ बर्निंग डाउन द एंटायर जंगल. तो वो पहली लड़ाई से फिल्म की कहानी शुरू होती है, और आखिर में उसे रॉनी ख़त्म करते हैं. सो ऐसा कुछ है नहीं कि यू कैन सी ग्रेट एक्शन फॉर दिशा. इतनी प्रिटी ब्यूटीफुल, मैं तो कहता हूँ कि ये वैक्यूम हो गया था, स्लेंडर टॉल ब्यूटीफुल गर्ल्स एज हीरोइंस, एंड देयर वी हैव गॉट यू. एंड प्लीज एक्सेप्ट व्हाट एवर शी इज डन, बिकॉज यू विल लव इट. सी टाइगर इज, जब ये करते हैं एक्शन वो दिखता है बहुत तूफानी धुआंधार, बट ही इज अ वेरी केयरफुल बॉय व्हेन इट कम्स टू पीपल अराउंड हिम. तो उनकी खुद की टीम है, विक्रम, नदीम, कुलदीप, ये सब जो लड़के हैं, भाविन, ये सब आते हैं, एंड दे ऑल आर ऑल द टाइम अराउंड हिम, एंड वो सब सिक्योरिटी देख लेते हैं. एंड व्हेन ही डज इट, ही डजंट स्टॉप. आई कॉल हिम अ रेजिंग बुल. व्हेन ही गोज फॉर इट ना, तो टाइगर श्रॉफ कैन गो थ्रू अ वॉल. बट देर आर सर्टन एक्टर्स हु कैन डैमेज यू नो फाइटर्स, बट ही इज अ पर्सन वो 10 बार रिहर्सल करेंगे एंड देखेंगे कि फाइटर को टच भी नहीं करते हूँ. तो ही इज़ वेरी केयरफुल अबाउट दैट. तो सेट पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जब एक हीरो मारता है फाइटर को, तो फाइटर को मार हीरो से ही लगती है. तो जब हीरो ही केयरफुल है, सो आई डोंट थिंक बाकी लोगों को इतना रिस्क होता है. ऑफ कोर्स वी हैड अ सेफ्टी मेजर्स, वी हैड एन एम्बुलेंस ऑन द सेट, वी हैड अ डॉक्टर ऑन द सेट. प्रतीक बब्बर को चोट भी लगी थी फर्स्ट एक्शन में ही, एंड टाइगर ऑल्सो रियली हेल्प्ड हिम एंड गाइडेड हिम के आइसिंग करो, ये करो, देन इट वॉज दैट वॉज देयर. बट आई वुड लाइक टाइगर टू से दैट हाउ डू योर एक्शन विद सेफ्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट वांट टू पुट आउट अ मैसेज खासकर सारे बच्चों के लिए, क्योंकि दे यू नो दे रियली यू नो लुक अप टू द स्टफ आई डू. सो आई वांट टू टेल देम दैट ऑल ऑफ दिस इज डन अंडर सुपरविजन, सेफ्टी एंड थरली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स. सो प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम अलोन. ओके, हाउ डू आई डू दिस, आई डोंट नो. एम एन सर एक्शन बोलते हैं, मैं कूदता हूँ, बट बहुत सिंपल है यार. प्लीज, हो गया हो गया.
मोबाइल के सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि अहमद आप पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री में हैं, चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, आपने देखा होगा कि ओवर द ईयर्स कैसे सेफ्टी मेजर्स में ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन आया है, बिल्कुल। आई रिमेंबर मैं हम लोग शूटिंग कर रहे थे और मैं रोज़ कहता था टाइगी कॉल डैड ऑन द सेट, जगुदा को बुलाओ, जगुदा को बुलाओ, एंड इज टू कॉल मी, बच्चे आग लगा दोगे, ये कर दोगे, एंड इज टू सेंड लोकेशन पिक्चर्स एंड इज टू रियली एनकरेज, एंड सेट पे कभी नहीं आए। एक दिन वो गोवा पहुँच गए एंड सडनली रूम में मैं गया तो ही केम फॉर 5 मिनट्स, ही डिडंट कम ऑन द सेट, एंड ही जस्ट हेल्ड मी, हग्ड मी, एंड ही सेड टाइगर तुम दोनों आग लगा दोगे, एंड वो एक एक्शन कट मैंने दिखाया उनको, एंड ही सॉ दैट कट एंड ही वॉज वेरी स्कैर्ड कि टाइगर ने वो किया, गाड़ी आके टाइगर को एक शॉट लिया जिसमें गाड़ी ने टाइगर को ठोक दिया है, और वो स्क्रीन में आप देखोगे ही इज फ्लोन एंड ही लैंड्स ऑन द कार, तो वो बैंग हुआ है क्योंकि वो कैमरा गाड़ी के अंदर भी लगा था एक, एंड उन्होंने वो देखा और खाली बोला टाइगर जस्ट टेक केयर, पर ही सेड डैड मैंने ये पहना था, सेफ्टी चीज़ें। जगुदा लोग जब करते थे तो कहाँ से जंप मारते थे और नीचे खाली बॉक्सेस होते थे, कार्डबोर्ड लगाते थे पैरों में यहाँ पे कि गिरे तो लगे नहीं, उस टाइम पे केबल वगैरह का आइडिया नहीं हुआ करता था, देर वॉज नथिंग एज VFX, जो हीरो ने जंप मार दिया मार दिया, सबके घुटने टूट चुके हैं, बट आई कैन से टुडे दर फाइट कोऑर्डिनेटर्स जो हम लाते हैं हमारे हिंदुस्तान के या बाहर के, उनकी रिगिंग और इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हैं, विच इज़ डेफिनेटली आई कांट से 100%, 25% सेफ्टी है, बाकी आप गिरोगे अगर एक पर्टिकुलर जगह से, वो इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट होता ही है। सो द एक्टर हैज़ टू ट्रेन हिमसेल्फ कि ही इज़ अनदर 25%, तो आई कैन से दिस 50% सेफ्टी, 50% रिस्क, पहले 5% सेफ्टी था, 95% रिस्क। So today I think we are far more better. So don't you think there should be something like a committee where if actors, if they go through an accident, they are taken care of, because we don't have that. Yeah, of course, wo hona chahiye na. Absolutely, but you know, I feel very, to add to that, I feel more for the stuntmen of union and true. All the fighters. Kyunki jo mehnat wo karte, I don't think any of the other people do, yeah, they put their bodies on the line every day, aur jo izzat jo they should be getting, the respect, the recognition, matlab wo I don't think is enough for what they do. I mean, you're literally stepping out of your house, you're saying bye to your family one day, you never know if you're going to come back the very same evening. So you know, jo fighters karte, I don't think koi aisa kuch kar sakta hai industry mein, and the recognition that they get is very less. So, you know, my goal is if Baagi 2 inshallah becomes a success, inshallah, and Baagi 3 as well, if I become recognized as an action hero, then I would want to do something for all the fighters in the industry, and you know, all the stuntmen, and do some sort of stunt awards, yeah, kuch to unke recognition ke liye, or something, you know, because I just feel they should get more than they deserve. Aapko kabhi dad ne advice kiya hai ki action karte waqt ye mat karo, wo mat karo? वो हमेशा टोकते रहते सर, मतलब ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस आदमी है और वो खुद एक एक्टर है, एक्शन फिल्में करते थे, तो आई थिंक ही इज एक्सपीरियंस्ड, दैट्स व्हाई ही इज बीन गिविंग मी अ लॉट ऑफ सेफ्टी टिप्स। या अहमद, यू अंडरस्टैंड यू हैव टू गो फॉर बीपी, बट वेट फॉर द लाइक 5 मिनट्स। हां, बोलो बोलो, दिस क्वेश्चन इज प्लीज वेट क्यूट। Third time with at the home turf now. What? Are you asking me, sir? Yeah. It's Nadiyad Wala production. Oh yeah, definitely, definitely. Third time and. Yeah, it will be hat-trick of hits. सर, मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता, पर बिकॉज यू नो वी बीन गेटिंग सो मच लव एंड अप्रिशिएशन फॉर आवर प्रोमोस एंड एवरीथिंग, इट गिव्स अस अ सेल्फ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ और मैं जब भी साजिद सर के साथ काम करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू नो, सेम फीलिंग आई गेट आई एम यू नो बिहाइंड दिस कैमरा, आई फील लाइक आई एम इनविंसिबल। सो या, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्राइडे, अ गुड सक्सेसफुल फ्राइडे, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर Baagi 3। इन दिस लास्ट यस सर, अहमद सेड टू कंपेयर अस remembered this Shriji with you, how do you I can't relate to it at all. I
it's too much. I don't think I'm anywhere close to her. She's an icon. And he's a very, very nice, good-hearted person for saying that. He's just trying to make me feel good, but I don't think I'm anywhere close to her. Yeah, I'm saying it because I've worked with her when I was 11. I was 11 years old. And tabhi maine wo legendary lady ke saath kaam karke bahut kuch sikha hai. Jab main bada hua, I was an assistant, maine tabhi kaam kiya hu. And aakhir tak, I was very close to her. To un jaisi heroine maine aaj tak nahi dekhi hai. To main kehta hu, agar Disha 25% bhi unse thoda sa le le, to I think it's a lifetime achievement. So I just said ke wo cut off aur in, maine ek heroine ko karte hue dekha tha bachpan se. एंड मेरी फिल्म जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये भी वैसे ही कर रही है तो आई पास्ट इट नहीं तो कोई और डायरेक्टर होता तो कहता कि नहीं बी इन द सीन बी इन द सीन तो वो मुझे एक उनसे कुछ झलकी नज़र मैंने देखी थी तो वो आई अप्लाइड ऑन हर देखो टू बिगिन विद इतना बड़ा आइकॉनिक गाना है एक दो तीन वो कोई और करता तो मैं भी कमेंट कर देता ओके यू शुड सी द बिगर पिक्चर कि हमने इतना बड़ा ये उठाया है कि वी ट्राइड इट एंड कमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव आना वही हमारा हम उसके लिए तो बैठे हैं हर टाइम यू कांट बी पॉजिटिव हम नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं बट वॉट एवर इट इज़ आई एम हैप्पी दैट मिस्टर एन चंद्रा कॉल्ड मी ही प्रेज्ड मी एंड गणेश आचार्य माई फ्रेंड जिन्होंने कोरियोग्राफ किया सरोज जी ने इमोशनल हो गई थी हम उनके घर गए मैं और गणेश वो इतना खुश हो गई थी कि उन्होंने हमें दुआएं दी यार मुझे ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए द मेकर्स ऑफ द सॉन्ग जिन्होंने वो गाना सोचा जिन्होंने गाना कंसीव किया ऐसा स्टेज होगा ऐसे एक एक्टर होगी उसमें माधुरी जी ने परफॉर्म किया और चार चांद लगा दिए हमने कोशिश की 10% हम वहाँ पहुँच जाए एंड आई थिंक सो हम 25% पहुँच गए सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद वॉट एवर द आउटकम इज़ Great visuals. Jacqueline has done a fantastic job as a dancer in that. And Ganesh ne usse shoot waise kiya jaisa humne unne kaha tha shoot karne ke liye. Ab wo jaisa bhi hoga, we are ready to take everything. Thank you. 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 बट वो था ही नहीं कि यार हम इनको भी दिखा के पब्लिसिटी लेंगे उनको भी दिखा के पब्लिसिटी लेंगे वो माधुरी जी एक दो तीन गर्ल थी और वो ता उम्र रहेंगी उसके बाद 10 लड़कियां करेंगी हमने कोशिश की नई मोहिनी दे दो जैकलिन के रूप में जो मॉडर्न लोग को यूथ को पसंद आए और टाइट बॉडी रिप्ड एब्स एंड शी इज़ डन इट ऑल एंड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस बट बोल हाँ टाइगर जॉब देंगे अरे क्या कंफर्म डबल रोल साइन कर दिया प्रोड्यूसर ने भाग भी नहीं सकते और ना प्रोड्यूसर को भागने देंगे थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू